Hello everyone. So today we are going to talk about what is the difference between individual demand function and market demand function. ठीक है, तो पहले तो हम समझे कि individual demand function क्या होता है, then we will define the what is the market demand function. ठीक है, so देखो, so individual demand function की definition होती है कि demand for the commodity by the individual, okay, word ध्यान रखो, individual depends upon on प्राइस ऑफ द कमोडिटी, तो गुड की प्राइस पे हिस इनकम, दैट मीन्स इस इंडिविजुअल की इनकम प्राइस रिलेटेड गुड ऑफ कमोडिटी, यहाँ पे रिलेटेड गुड दैट मीन्स सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट गुड की बात होती है. सो ठीक है, सो क्या है डिमांड फॉर द कमोडिटी फॉर द इंडिविजुअल, किस पे डिपेंड कर रही है? प्राइस ऑफ द कमोडिटी. फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे मेन फैक्टर है प्राइस ऑफ द कमोडिटी. ठीक है, फिर उसकी इनकम पे भी डिपेंड करती है पर्सन की, और पर्सन के और उस गुड से रिलेटेड जो अदर गुड होते हैं. ठीक है, जैसे टी कॉफी इज ए सब्स्टिट्यूट, राइट? अगर जिसको मतलब टी पसंद है, अगर जैसे टी नहीं मिली तो समटाइम्स दे कैन सब्स्टिट्यूट फॉर इट कॉफी, राइट? सो दैट आर द रिलेटेड गुड. तो उसके प्राइस पे भी डिपेंड करती है. तो डिमांड ऑफ कमोडिटी किस पे डिपेंड करती है? मेनली प्राइस ऑफ कमोडिटी पर्सन की इनकम पे और प्राइस रिलेटेड ऑफ कमोडिटी. ठीक है, सो अ सिंपल डिमांड फंक्शन इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी कीपिंग अदर फैक्टर कॉन्स्टेंट. तो जैसे कि अगर डिमांड फंक्शन बात की जाए, जैसे ये क्वांटिटी है ना किसी इंडिविजुअल की, उस इंडिविजुअल को हम लोग ए नाम देते हैं. तो किसी इंडिविजुअल की क्वांटिटी है, जैसे ये उसकी डिमांड है. ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? ये 40 - 2p, ये प्राइस जो है इस सेम प्रोडक्ट की है, तो ये रहे इंडिविजुअल डिमांड. ठीक है, लेट्स से ये फोर है फॉर अ पर्सन ए. कोई पर्सन बी है तो उसके लिए भी कुछ डिमांड होगी, तो वो समझ लो क्यू भी होगी उसके लिए डिमांड. वो ये क्वांटिटी ए डिमांड कर रहा है, बी पर्सन जो है क्वांटिटी बी डिमांड करेगा, तो लेट्स से उसकी डिमांड है 40 - 3p. ठीक है, तो ये दोनों की डिमांड होगी. बट तो ये तो कॉन्सेप्ट हो गया कि इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन. तो मार्केट डिमांड फंक्शन क्या होता है? तो मार्केट डिमांड इज सम ऑफ डिमांड ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है, हु वांट टू परचेज द कमोडिटी. सो मार्केट डिमांड क्या हो जाएगी? तो मार्केट डिमांड अगर हम क्यू एम से शो कर रहे हैं, ठीक है, ये मार्केट डिमांड के लिए, तो इट इज सम ऑफ द डिमांड ऑफ इंडिविजुअल्स, है ना. तो अभी तो हमारे इस मार्केट में दो ही इंडिविजुअल हैं, तो इनका क्वांटिटी डिमांड का सिर्फ सम हो जाएगा, तो वो हमें क्या दे देगा? मार्केट डिमांड. ठीक है, तो 40 - 2p प्लस 40 - 3p, ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास डिमांड, मार्केट डिमांड क्या आ जाएगा? 80 - 5p. ठीक है, तो क्यू एम क्या आ गया? मार्केट डिमांड. ठीक है, तो आई थिंक डिफरेंस समझ में आ गया कि व्हाट इज मार्केट डिमांड एंड व्हाट इज इंडिविजुअल डिमांड. सो इंडिविजुअल डिमांड को अगर हम सम कर दें, है ना, तो हमें क्या मिल जाता है? मार्केट डिमांड मिल जाता है. ठीक है, तो आई होप ये आप लोग को हेल्प करे.